आयो बहुत लोगों को लगता है इसको बनाना बहुत हार्ड, सच्ची बता रहा है बहुत इजी, जैसे घर पे सब्जी बनता ना वैसे सोच के बनाने का, आयो बन जाएगा और बाहर का खाने का नहीं, बहुत ही बीमार पड़ता है। सबसे पहले भिगाया हुआ कश्मीरी लाल मिर्च को पानी डाल के पीसने का, हमारा लाल पेस्ट रेडी। देखो तुम तवा लो या कढ़ाई, तेल कम बटर ज्यादा, उसमें थोड़ा जीरा छिड़कने का, अच्छा सब्जी में कांदा शिमला मिर्च टमाटर हो गया, अब उबला सब्जी, आलू अलग उबलने का, गोभी मटर अलग उबलने, हां नमक बहुत जरूरी, ये सब अच्छे से मिलाने का, और कचर कचर करने का भूलने का नहीं। अब बीच में गड्ढा करके थोड़ा बटर थोड़ा तेल, इसमें दो बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और दो बड़ा चम्मच लाल पेस्ट, अब इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और तीखे के लिए हरी मिर्च का पेस्ट, आयो कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता इसलिए इसको डाला, ये सबको मस्त मिलाने का, और हां पाव भाजी का मसाला भी डालने का ना, और फिर से कचर कचर करने का, आयो बहुत मजा आता, थोड़ा धनिया छिड़कने का और ये मेरी तरफ से एक के मारने का। देखो हमारा भाजी रेडी, तुम इसमें पानी डाल के पतला भी कर सकते हैं और कलर डाल के लाल भी कर सकते हैं, और थोड़ा बटर तेल लहसुन मिर्च की चटनी थोड़ा भाजी डाल के पाव को सेकने का, हो गया ना जी रेडी। और खाने से पहले तुकना, स्वाद अनुसार तुकना, उनको थूक कर लोगों को पवित्र कर देते हैं और उनको समृद्ध बना देते हैं ताकि वो अपने जीवन में और भी आगे उन्नति करें, इसलिए वो थूक कर लोगों को भोजन देते हैं। लेकिन कुछ नॉन मुस्लिमों के द्वारा और हिंदुओं के द्वारा, जो कट्टर हिंदू हैं उनके द्वारा इस चीज़ों का विरोध किया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, अनहाइजीनिक बताया जा रहा है, अनहाइजीनिक बोलकर इनको थूकने से रोका जा रहा है। अगर आप थूका हुआ भोजन खाना चाहते तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये अनहाइजीनिक है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। थूकने को दूसरे धर्म में बुरा माना जाता है, लेकिन वहीं मुसलमानों में, इस्लाम में इसे आशीर्वाद या फिर एक पुण्य पवित्र तौर पर लिया जाता है। मोहम्मद के द्वारा भी लोगों को थूक कर आशीर्वाद दिया जाता था, और ये इसके उल्लेख आपको हदीस में और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएंगे आपको। और ये कुछ हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, जो कि बहुत लोग आके अपनी कुंठा इधर थूकेंगे, तो इसलिए हम कुछ स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं जो हमारे द्वारा कहीं से डाटा निकाला गया, जो कहीं से जो आर्टिकल मिले हैं हम उसको कोट करके बोल रहे हैं, हम ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इनके हदीस में जो लिखा है, इनके जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है उसको देखकर बोल रहे हैं। थूकना कितना पवित्र है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको। और इनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है आप देखिए, कई एलके फैक्ट चेकर है जो आकर बता रहे हैं कि ये थूकना नहीं है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो इस्लाम में की जाती है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप उनकी भी बात सुनिए। सोशल मीडिया में 30 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो एक हिंदू शादी का है जिसमें मुस्लिम को खाना पकाने का ठेका मिला था, लेकिन बन जाने और परोसे जाने से पहले खाने में थूका गया। दावे के मुताबिक वायरल वीडियो में ये शख्स चावल और मटन कोरमा में थूकता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये क्या हो रहा है, खाने में थूक। वायरल हो रहे वीडियो का सही लोकेशन नहीं बताई गई है। वीडियो में एक शख्स मास्क पहने हुए नजर आ रहा है, जिससे साबित होता है कि वीडियो कोरोना काल का हो सकता है। वीडियो में कहीं कहीं हिंदी भी सुनाई दे रही है। इस दौरान एक शख्स बड़े से पतीले में बने हुए चावल को एक प्लेट में निकाल अपने मुंह के पास लाता हुआ नजर आता है। इस दौरान ऐसा लग रहा है मानो वो इसमें थूक रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? हमने वीडियो से ही सच का क्लू तलाशा, तो वीडियो में कई ऐसी बातें दिखाई दी जो हमारी पड़ताल का आधार बन गई। इनका पूरा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे को लेकर चलता है, मतलब ये किसी भी चीज़ को कुछ भी बता सकते हैं, ये किसी भी चीज़ को कुछ भी बता सकते हैं, इधर की उधर उधर का उधर कर सकते हैं, ये दुनिया को तो चूतिया समझ के रखे हैं। और आपको अगर ये फ्लेवर पसंद आता है, ये थूक का फ्लेवर पसंद आता है, तो आप अवश्य थूका हुआ भोजन कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कही है आप, अगर थूका हुआ भोजन नहीं खाना है तो वीडियो को लाइक करें।